अलैक्म, क्या हाल है सबका? ठीक है और वेलकम टू सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में थॉमस हॉब्स पढ़ा था, हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ में। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा पास वीडियो का भी, अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज हमने पढ़ना है जॉन लॉक, ठीक है। इसके थ्योरी के ऊपर पढ़ेंगे कि इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, इसकी क्या थ्योरी थी, इसने अपने थ्योरी में क्या क्या बोला था, उसकी लेगेसी क्या थी। तो जैसे हमने उसका ऑर्डर बताया फिलासफर, इन तीन फिलासफर का, कि सबसे पहले आपने इसका बताना है कि इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, टाइम है जिससे कर लेंगे, कब पैदा हुआ था, कब फोत हुआ था, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी बुक्स क्या है। आपने पहले एक छोटा सा चार्ट बना दें, जैसे मर्जी आप करना चाहते हैं वैसे कर लें। उसके बाद आपने कहना है कि इसका स्टेट ऑफ नेचर, इसने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या बताया था। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में मैंने आपको ये बताया कि जो सोशल कॉन्टैक्ट है, शुरू की लाइफ है, जब कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसको कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। उसके बाद जो इसने ह्यूमन नेचर या इसने जो इसने शुरू इसने कॉन्सेप्ट निकाला था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो उसके बाद इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जिस अथॉरिटी को इसने सॉल्व किया उसका पर्पस किया है रूल करने का, या उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं। उसके बाद हमारा एक चार्ट था, उसके बाद लेगेसी थी, उसके बाद उसका कंक्लूजन था। ये आठ हेडिंग्स हमारी बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी थी वो लिबरलिज्म पे बेस करती थी, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो रियलिज्म पे थी, इसकी क्या थी लिबरलिज्म पे थी। साथ साथ ना ये कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर आया है कि जी हॉब्स और लॉक का कंपैरिजन करें, हॉब्स और रूसो का करें, लॉक और रूसो करें, या तीनों का कंपैरिजन करें, ठीक है। 2018 के अंदर तीनों का कंपैरिजन आया था पेपर में पॉलिटिकल साइंस सीएसएस में, ठीक है। जिसकी आइडियोलॉजी थी वो लिबरलिज्म पे बेस करती थी, जिसका फोकस था वो था रूल ऑफ लॉ। उसका क्या फोकस था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या था? रूल ऑफ लॉ पे। इसकी बुक थी 1689 में आई थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसकी आई थी 1651 में लिवाइथन। ये आप याद कर लें, रट लें इसको, क्योंकि ये बड़ी एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें आई थी। मैंने आपको बताया था कि सीएस का जब मैंने पेपर दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 के 20 एमसीक्यूज़ आते थे। कैसे आते थे? ऐसे ही आते थे कि मैंने ऐसे ही रटे मारे थे सारी चीज़ों की, डेट्स के, पास पेपर के, ठीक है। टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट 1689 में इसकी बुक थी। इसका ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाली लाइफ थी, अब इसने कहा था कि इतनी बुरी नहीं थी जितना हॉब्स ने बताया। हॉब्स ने क्या बताया था कि क्याओस है हर जगह, ठीक है, ब्रूटिश लाइफ है, पुअर नास्टी ब्यूटी एंड शॉर्ट थी। इसने कहा था कि इतनी बुरी नहीं थी जितना उसने बताया हुआ है। वो क्या थी कि इंजॉयबल लाइफ थी, ठीक है, इंजॉयबल लाइफ थी, हर किसी की मैनकाइंड सब कुछ थे, लेकिन क्या थी कि उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी। बस उसकी क्या थी? इतनी बुरी नहीं थी, बुरी थी लेकिन इतनी बुरी नहीं थी। क्या क्यों बुरी थी? क्योंकि जो अपनी प्रॉपर्टीज है ना वो सिक्योर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जी जो इसने कॉन्स्टिट्यूट किया जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? हमारी गोल्डन एज है, ठीक है। गोल्डन स्टेट ऑफ नेचर को उसने गोल्डन एज कहा था। उसने क्या कहा था? क्याओस है, ठीक है, ब्रूटिश लाइफ थी, फियरफुल थी लाइफ थी। जबकि इसने कहा था जो हमारा जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या है? गोल्डन एज है। फिर इसने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर है जो वो थी वो नेचुरल कंडीशन ऑफ मैनकाइंड थी, ठीक है, जो क्या थी? स्टेट ऑफ परफेक्ट और कंप्लीट लिबर्टी। अब इसने क्या है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या थी? स्टेट ऑफ परफेक्ट इसने कहा है, और उसने कहा कि कंप्लीट लिबर्टी थी इसके अंदर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, इसने क्या कहा था कि जो हमारी स्टेट ऑफ नेचर है ना वो क्या थी? गोल्डन एज थी, स्टेट ऑफ परफेक्ट थी, और कंप्लीट लिबर्टी थी, हर किसी को आज़ादी थी कि वो जो चाहे करे, ठीक है। कंप्लीट लिबर्टी थी, गोल्डन एज थी, अपनी मर्जी की लाइफ थी, कोई किसी को तंग नहीं करता था। फिर एक तरीके से बुरी थी कि उसमें जो हमारी प्रॉपर्टी थी ना वो सिक्योर नहीं थी। प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट वो आगे इसने बताया। बाकी इसका क्या था कंपैरिजन मैंने आपको करवा दिया कि वो क्या कहता था और ये क्या कहता था। उसके बाद अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लॉक एंड थॉट के लिए, अब इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। सबसे पहले इसने बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो एक पर्सन था, ठीक है, वो रॉ मटेरियल और अपनी लेबर को मिक्स करके, रॉ मटेरियल क्या, नेचर का यूज़ करके और अपनी लेबर मिक्स करके जो उस चीज़ को बनाता था। मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है कि उसने अपनी लेबर यूज़ की, मतलब हल जिताया, हल जोता जो भी कह के उसने हल चला के उसने फसल उगाई, और फसल उगाने के लिए उसने रॉ मटेरियल यूज़ किया, जो बीज भी है वो नेचुरल थे, नेचुरल मटेरियल थे, नेचुरल सब्सटेंसेस उसने यूज़ करके, अपनी लेबर यूज़ करके जो उसने उगाई वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब दूसरा इस कंसेप्ट को उसने घर बनाया, लकड़ी क्या है? नेचुरल मटेरियल है, मटीरियल है जो उसने नेचर से लिया है, वो उसने जो घर अपने बना के उस पर काम करके, ठीक है, उस पूरा जो घर बनाया है वो इसका क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है।
जो भी आप इससे कॉन्सेप्ट ले लें, मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स बता दी हैं कि मतलब कि उसने लकड़ी ली, लकड़ी को किया, सब कुछ किया, उससे अपना घर बना लिया, लकड़ी से उसने मतलब कई चीज़ बना ली, लोहा लिया तो उसने मतलब कि आरा बना लिया, मतलब कि जो भी उसकी अपनी चीज़ें हैं ना वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कि जो उसने मटीरियल नेचर से मटीरियल लेके और अपनी लेबर यूज़ करके, ठीक है, जो उसने वो काम किया उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो लोकी ने इसकी डेफिनेशन दी है। फिर उसने कहा कि जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी वो स्टेट ऑफ नेचर में बिल्कुल सिक्योर नहीं थी, इनसिक्योर थी, ठीक है। उसने फिर इसकी तीन वजूहात दी हैं कि तीन वजह से जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो सिक्योर नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि कोई मतलब कि एब्सेंस ऑफ इस्टेब्लिश लॉ नहीं था, ठीक है, कोई लॉ नहीं था कि भी अगर आपने ये काम किया तो आपको ये सलाह मिलेगी, ऐसा नहीं करना, क्या डूज एंड डू नॉट्स, मतलब जो जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर चीज़ गिवन है, वो हमारा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ गिवन है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन, आर्टिकल 19 फ्रीडम स्पीच, आर्टिकल 20 वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा क्या था कि इम्पार्शियल जज नहीं था, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी जज करने वाली, मतलब दो बंदों का कॉन्फ्लिक्ट है तो तीसरे बंदे के पास जाकर उनको जज नहीं करने का, तो जिस बंदे को जाएंगे या तो उसके साथ मिला हुआ या उसके साथ मिला हुआ, इम्पार्शियल है, ठीक है, इम्पार्शियल जज की कमी थी, ठीक है, मतलब पार्शल लोग थे वहाँ पे। और दूसरा कि जी नेचुरल पावर टू एक्सक्यूट नेचुरल लॉज, कि नेचुरल पावर की कमी थी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो नेचुरल लॉज को या नेचुरल लॉज को एक्सक्यूट कर सके, किसी बंदे के इतनी पावर ही नहीं थी कि वो नेचुरल लॉज को एक्सक्यूट कर दे, मतलब कि उनको मुतारफ़ करा सके या उसके मुताबिक उनको रूल कर सके, लॉ नहीं था, नेचुरल पावर नहीं थी, इम्पार्शल जज नहीं था, कोई थर्ड पार्टी जज नहीं थी। इन तीन वजह मतलब इन तीन चीज़ों की वजह से उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो सिक्योर नहीं थी, इनसिक्योर थी, ये इसका था प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ उसको, मतलब पॉइंट्स टू पॉइंट्स आप लिखते रहा करें, पेपर पेन अपने पास रखकर करें। उसके बाद इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब पहले उसने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बताया, स्टेट ऑफ नेचर जो मैंने हॉब्स में बताया था उसने पहले स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताया, ह्यूमन नेचर के बारे में बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, राइट और ड्यूटीज़ बताई, चार्ट बनाया, लेगेसी बताई रही है। अब इसका भी दो हेडिंग होगी, तीसरी हेडिंग पे आप जाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब उसने कहा कि मैन डिड नॉट सरेंडर ऑल देयर राइट टू वन सिंगल इंडिविजुअल, कि एक बंदे ने एक सिंगल इंडिविजुअल के आगे अपने सारे राइट्स नहीं रखे। हॉब ने क्या कहते हैं, अपने सारे राइट्स, अपनी मतलब राइट ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी प्रिजर्व, प्रोटेक्शन, सब कुछ उसने एक अथॉरिटी के आगे सबमिट कर दिया कि भाई मेहरबानी कर, मैं तेरा बंदा हो गया हूँ, मैं तेरे नीचे काम करूँगा, तूने मुझे रूल करना है और रूल के बदले में तूने मेरे सारे राइट्स पूरे करने हैं। इसने कहा था कि उसने अपने, अब लॉकी ने कहा था कि इसने अपने सारे राइट्स उसके अंदर सबमिट नहीं करवाए थे, ठीक है, कि भाई सारे राइट एक सिंगल अथॉरिटी के नहीं दिए थे, सिर्फ एक राइट दिया था कि वो जो लॉ और लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा, वो इन्फोर्स करेगा, ठीक है, ऑर्डर को मेंटेन करेगा और लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करेगा। इसने दो एक चीज़ पर बात की थी कि मैं अपने सारे राइट्स आगे प्रिजर्व नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये राइट कर रहा हूँ, एक अथॉरिटी के अंदर आ रहा हूँ कि वो सिर्फ क्या करेगा, लॉ को इन्फोर्स करेगा, ठीक है, और ऑर्डर को मेंटेन करेगा, दो चीज़ें काम करेगा बस, ये इतने राइट्स मैं सबमिट करवा रहा हूँ, इतनी अथॉरिटी मैं उस बंदे को दे रहा हूँ, ठीक है, उस इतनी मैं अपने राइट्स को सरेंडर कर रहा हूँ उसके आगे कि वो सिर्फ ऑर्डर को मेंटेन करेगा, लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करेगा बस। उसने कहा था कि जी इस सिर्फ इस बिना पे उसको बाकी सारे राइट्स मिल जाएंगे, राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इसकी बदौलत उसको बाकी सारे ये जो नेचुरल राइट्स हैं, जो नेचुरल लॉज हैं, इसके मुताबिक उसको इस लेट्स सपोज इसने कहा था कॉन्सेप्ट ये था, इसने सारे राइट्स आगे सबमिट नहीं करवाए अपने, सिर्फ उसने कहा कि वो ऑर्डर को मेंटेन करे और लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करे। इससे क्या होगा कि हमें राइट टू फ्रीडम मिल जाएगी, कि हम राइट टू लिव मिल जाएगा, हमें राइट टू लिबर्टी मिल जाएगी और राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मिल जाएगी, नेचुरल लॉ जो राइट्स हैं वो हमें इसे ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगे। फिर उसने कहा था कि जी हैविंग क्रिएटिंग का पॉलिटिकल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट थ्रू देयर कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब इससे जो पॉलिटिकल सोसाइटी बनेगी, ठीक है, और जो हमारी मर्जी होगी जिसमें होगी, उससे क्या होगा कि उससे हमें तीन चीज़ें और मिल जाएंगी। जो मैन क्या करेगा, वो तीन चीज़ें गेन कर लेगा, क्या, लॉज, जजेस, एक्सक्यूट पावर, जो उसने तीन चीज़ें बात की हैं कि लॉज नहीं थे, नेचुरल पावर नहीं थे और जजेस नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी। तो इससे क्या होगा कि जो ये पॉलिटिकल सोसाइटी बनेंगे, लॉ में ऑर्डर मेंटेन होगा, लॉ ऑफ नेचर इन्फोर्स करेंगे,
उससे हमें क्या मिलेगा, क्या बंदा क्या गेन कर लेगा, कि लॉस भी आ जाएंगे, नेचुरल पावर भी एक बंदे को मिल जाएगी कि वो पावर को, लॉस को या ऑर्डर को एक्सिक्यूट कर सके, नेचुरल मतलब कि नेचुरल लॉस को एनफोर्स कर सके, एक्सिक्यूट कर सके, और क्या कि उसको इम्पार्शल जजेस भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उसने सिर्फ ये कहा, सियाना बंदा था, कि उसने सिर्फ ये कहा कि हम इतनी अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो क्या करे, लॉ को मेंटेन, लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ ऑफ नेचर को इन्फोर्स करे और ऑर्डर को मेंटेन करे। इससे क्या होगा कि हमें जो हमारे बेसिक नेचुरल राइट्स हैं ना, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमें ही मिल जाएंगी। और इससे नीचे क्या होगा कि अगर जब ये आ जाएगा, पॉलिटिकल सोसाइटी बन जाएगी, पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर हमें क्या होगा कि हमें लॉज ही मिल जाएंगे, जजेस भी मिल जाएंगे, और एक बंदे को नेचुरल पावर भी मिल जाएगी कि वो नेचुरल लॉज को एक्सिक्यूट कर सके। ठीक है, तो ये उसने कहा था कि ईच ऑफ मैन देयर फॉर गिव ओवर देयर पावर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, हर बंदे को पावर मिल जाएगी, मतलब कि वो एक बंदे को पावर देंगे कि वो उनको प्रोटेक्ट करे, लेकिन अगर वो इसे ट्रांसग्रेस करेगा, लेट्स सपोज कि उसने ये कह दिया कि जैसे पुलिस काम करती है, ठीक है, पुलिस को हमने ऑर्डर दे दी है, हमने लॉ दे दी कि हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन और पुलिस के आगे अगर हम कोई मतलब काम करते हैं, मतलब मैं किसी को कत्ल करता हूँ, कोई चोरी करता हूँ, तो वो क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, मुझे पनिश करेगी। तो उस कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट से कर लें, इसने क्या कहा कि ईच मैन, मतलब कि हर बंदे ने क्या कर दिए, अपने राइट्स क्या दे दिए, अथॉरिटी को सबमिट कर दिए। ठीक है, अब कोई बंदा, कोई सब्जेक्ट, कोई मेंबर उस पावर से ट्रांसग्रेस करेगा, मतलब कि लॉस के से ट्रांसग्रेस करेगा, मतलब उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश करेगा, तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उस चीज़ को उसको पनिशमेंट मिलेगी, जो लॉ के अगेंस्ट जाएगा उसको उससे चीज़ बनाई मिलेगी। मतलब कि वो एक बंदे ने किसी दूसरे का कत्ल किया, वो खुद बदला नहीं लेगा, उसके बिहाफ पे वो जो गवर्नमेंट है, जो मोनार्की बनी है, वो बदला लेगी, उसके आगे जो जजेस हैं वो बदला लेंगे, वो उसके खिलाफ फैसला देके उसे बदला लेंगे, क्योंकि अब ये लॉ है कि कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा, पनिश का कौन करेगी, सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। ये स्टेट ऑफ नेचर हो गया। अब उसका पर्पज़ क्या, गवर्नमेंट का, अब जो मोनार्की जो बना लिया, अब उसके क्या क्या पर्पज़ हैं। ठीक है, अब उसका क्या कि वो लॉ को अपहोल्ड करेगा, लॉ को अपहोल्ड करेगा, लॉ को फोर्स करेगा, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सीजेस करती है फुल फिट से, अगर वो नहीं कर पाती, तो उसको क्या करेगी कि लॉज के पास, लॉज वुड हैव नो वैलिडिटी एंड गवर्नमेंट कैन बी थ्रोन आउट ऑफ पावर, कि उस लॉ की कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी और गवर्नमेंट को हम पावर से ओवर थ्रोन कर देंगे। सिंपल, दोनों के सिंपल कॉन्सेप्ट चलते आ रहे हैं कि क्या करेगा, वो लॉ को अपहोल्ड करेगा, नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करेगा। उसने क्या कहा था कि उनके प्रॉपर्टी राइट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, सब कुछ उसने करना है। तो उसने क्या करना है, लॉ को अपहोल्ड करना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और अगर वो नहीं करेगी, उसको वहाँ से, उस लॉ, जो लॉ उन्होंने बनाया है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, और उसको क्या करने में ओवरथ्रो कर देंगे। ठीक है, इसकी कोटेशन है कि अनलिमिटेड सॉवरेंटी इज कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल लॉ। ठीक है, कि वो अनलिमिटेड सॉवरेंटी कॉन्ट्रेरी टू नेचुरल लॉ, क्योंकि वो कंडीशनल सॉवरेंटी होती है, अनलिमिटेड सॉवरेंटी नहीं है लॉ के आगे। उसके बाद चार्ट बनाया कि जी ह्यूमंस क्या है, वो इंडिपेंडेंट एजेंट्स एंड रैशनल हैं विद नेचुरल राइट्स, के जी वो नेचुरल राइट्स दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उन्होंने फिर पॉलिटिकल सोसाइटी ज्वाइन कर ली, जो उनके लॉ को प्रोटेक्ट करेगी। और ठीक है, और ये लॉ शुड बी एंड कहाँ पे होगा, कि वो उनके लॉ को फिर मतलब कि प्रिजर्व करेगा, और अगर वो प्रिजर्व नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा, उतार दिया जाएगा। ये इसका चार्ट थोड़ा सा बना दें। उसके बाद लेगेसी आ जाएगी। लेगेसी में इसने क्या कहा था कि जितने भी उसने क्या कहा था, एब्सोल्यूट मोनार्की को इंस्पायर किया है, इसमें क्या कहते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी वो इंस्पायर की थी, और इसमें यह था कि जितने भी रेवोल्यूशन आई थी, लेट्स सपोज अमेरिकन रेवोल्यूशन, थॉमस जेफरसन था जो फाउंडिंग फादर है ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, या अमेरिकन फाउंडिंग फादर है, उसने इसके वर्ड्स तक कॉपी किए थे कि जी लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, डिफरेंट चीज़ें हैं कि मतलब कि सोशल प्रोटेक्ट, नेचुरल राइट्स के बारे में उसने इसके वर्ड्स तक कॉपी किए थे, वो इससे बहुत इंस्पायर था। तो इसकी लेगेसी में आप डाल देंगे कि अमेरिकन और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स हैं जो उसके बाद जो बनी है, जो आप भी हैं, वो किससे हैं जी, जॉन लॉक के थ्योरी से इंस्पायर। ये हमारा जॉन लॉक था। अब हमारा एक रह गया रूसो। रूसो के बाद हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। कंपैरिजन मैं एंड पे भी करवा दूंगा और आप खुद भी कर जाइएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। दूसरा, मैंने पास्ट वीडियो में भी बात की थी नोट्स की, इसमें भी बात की कि नोट्स जिन्होंने लिए हैं वो सारे मुझे कह रहे हैं कि
क्लासेस लें, तो अगर आपने क्लासेस लेनी है तो आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, मैं आपको टाइम टेबल सेंड कर दूंगा कि तो हम 2-3 दिन से शुरू कर लेंगे, क्योंकि PMS आने वाला है, 2 मंथ्स रह गए, तो 2 मंथ्स में इंशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें काफ़ी हद तक मेरी भी कवर हो जाएंगी, आपकी भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बाकी जो कंडीशन जो सारी चीज़ें वो मैं आपको मैसेज पर बता दूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।